जय मोरल साथियों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से मैं पल्लवी मोरल वाइस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के दो बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है नैनो एनर्जाइजर और नैनो मैक्स। इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल की इंजीनियरिंग है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के इंफॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को जोड़कर काम होता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मशीन यानी कि गाड़ियों की जो मशीन है उनकी फ्रिक्शंस को कम करता है, उनके लाइफ साइकिल को बढ़ाता है और साथ साथ फ्यूल की खपत को भी कम करता है। इसी नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के पास दो ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जो कि इस तरीके के काम को करने में हमें सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम है नैनो एनर्जाइजर और नैनो मैक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में एक बेसिक नीड्स बन गई है हमारी व्हीकल्स, हमारी गाड़ियां, उनके बिना हमारा काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम गाड़ियां परचेज तो करते हैं लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाते। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हाथी खरीदना आसान है बट उसको पालना मुश्किल। वैसे ही जो हम गाड़ियां परचेज करते हैं उनको खरीदना आसान है लेकिन उनकी मेंटेनेंस पे हमारा बहुत टाइम भी जाता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ता है, उसका रखरखाव बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन आई एम श्योर 100% से हो कि अगर आप नैनो एनर्जाइजर और नैनो मैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के दो बेहतरीन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए मेंटेनेंस बहुत ही आसान हो जाएगा। एनर्जाइजर एक विश्व प्रसिद्ध और उत्कृष्ट नैनो टेक्नोलॉजी का एक उत्पाद है। यह प्लैटिनम और जर्कोनियम सिरेमिक नैनो पाउडर से बना एक इंजन कोटिंग है। इस इंजन ऑयल को मिलाने के लिए इसके प्लैटिनम के 20 नैनोमीटर के कण इंजन को अंदर से कोटिंग कर देते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लैटिनम स्टील के कंपेयर में 20 गुना ज्यादा मजबूत और 6 गुना ज्यादा चिकना है, तो ये जो आपका इंजन है, जो आपका मशीन है, उसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है और साथ ही साथ माइलेज को भी बहुत इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको नैनो एनर्जाइजर को इस्तेमाल करना है, अगर यूज करना है, तो उसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है। अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे कई स्टेप को फॉलो करके आप प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो अगर पहले स्टेप की बात करते हैं, आप पहले प्रोसेस की बात करते हैं, तो नैनो एनर्जाइजर के पाउच यूज कीजिए। आप उसको लीजिए जो कि 30 ml का पाउच होता है, उसको एटलीस्ट 50 times शेक कीजिए, मिक्स कीजिए, ताकि जितने भी कण है उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स है वो एक्टिव हो जाए। नैनो एनर्जाइजर के प्रोसेस की बात करते हैं, इस्तेमाल करने के प्रोसेस की बात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 30 ml का जो आप नैनो एनर्जाइजर ले रहे हैं, उस 30 ml के नैनो एनर्जाइजर को यूज करने से पहले एटलीस्ट 50 times 50 बार उसको अच्छे से शेक कीजिए, उसको मिक्स कीजिए, ताकि जो अंदर के प्लैटिनम के पार्टिकल्स है वो एक्टिव हो जाए वर्क करने के लिए। अब आपने ये जो प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि सेकेंड स्टेप में, सेकेंड प्रोसेस में आपको इंजन ऑयल के ढक्कन को ओपन करना है और इंजन ऑयल के साथ ही नैनो एनर्जाइजर के इस 30 ml के पाउच को मिक्स कर देना है। जैसे ही आपने इसको मिक्स किया है, अब आपको इंजन को कम से कम 15 मिनट तक ऑन करके छोड़ देना है। इंजन को ऑन करके छोड़ने का प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जैसे ही ये हीट प्रोड्यूस करेगा, एक प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, तो जो आपने नैनो एनर्जाइजर मिक्स किया है इंजन ऑयल के साथ वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होते ही इंटरनल सरफेस पे एक कोटिंग बना देगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। यानी कि आपने देखा कि आपको किसी भी तरीके से कुछ अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है नैनो एनर्जाइजर को इस्तेमाल करने के लिए, अपने इंजन को ओपन अप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और आप बहुत इजी तरीके से इंजन ऑयल में ही मिक्स करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की या एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, यानी कि हर कोई इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। अब आप इसको समझिए कि आपका जो 10 लीटर तक का इंजन ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं, एक पाउच नैनो एनर्जाइजर के लिए 10 लीटर इंजन ऑयल तक का सफिशियंट है। यानी कि हर सर्विस में भी अगर इंजन ऑयल आप चेंज करा रहे हैं तो एक साल तक, यानी कि 10 से ज्यादा सर्विस तक आपको नैनो एनर्जाइजर दूसरा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर हम इसको किलोमीटर से समझते हैं तो 30,000 किलोमीटर तक आपका एक पाउच नैनो एनर्जाइजर का काम करेगा, यानी कि 30,000 किलोमीटर तक गाड़ी जो चलती है तब तक के लिए एक पाउच ही सफिशियंट है, एक पाउच ही सफिशियंट है, उसके बाद आप दूसरे पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो एनर्जाइजर के प्रोसेस के बाद समझना ये जरूरी है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट ये गाड़ी को देता है। तो सबसे पहले 6 जनरल बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। एंड यूजर बेनिफिट के बारे में अगर बात करते हैं तो उससे पहला बेनिफिट आपको तो ये मिल जाता है कि 5 से लेकर 15% तक ईंधन की बचत होती है, यानी कि ईंधन का इस्तेमाल कम होता है 5 से 15%। बहुत ही सफिशियंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है ये अगर प्रोसेस होता है तो, ये बेनिफिट अगर आपको मिलता है। दूसरा विशेषता मिलती है, दूसरा बेनिफिट इसका ये मिलता है कि आपके जो वाहन का जो हॉर्स पावर है वो अपग्रेड करता है, उसको अपलिफ्ट करता है, यानी कि हॉर्स पावर को बढ़ाता है। तीसरी विशेषता की अगर बात करते हैं तो माइलेज को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है, गाड़ी को जितना मैक्सिमम माइलेज देना चाहिए उससे भी ज्यादा अच्छा माइलेज ये प्रोवाइड करता है। चौथे बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो ईंधन अच्छे से जलता है, यानी कि मैक्सिमम फ्यूल का इस्तेमाल होता है, ऑलमोस्ट 100% फ्यूल का इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम फ्यूल का इस्तेमाल होने की वजह से जो पांचवा बेनिफिट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो आपके जहरीली और एनवायरमेंट हार्मली जो आपके केमिकल्स निकलते हैं, गैसेस प्रोड्यूस होती है धुएं से, वो नहीं होता है और ये पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली बनाता है। अब लास्ट बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो लास्ट बेनिफिट में आपको क्या मिलता है कि 30,000 किलोमीटर की दूरी तक एक पाउच आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक पाउच का बेनिफिट 30,000 किलोमीटर तक मिलेगा, ये 30,000 किलोमीटर तक चलने तक गाड़ी को मेंटेन की रहेगा। अगली बात करते हैं कि नैनो एनर्जाइजर के जो टेक्निकल एडवांटेज है वो क्या क्या है। अगर टेक्निकल एडवांटेज की बात की जाए, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इंजन अंदर से जो एक रफनेस आती है इंजन में, फ्रिक्शन कम होने की वजह से, उसकी वजह से जो रफनेस पैदा होती है, ये नैनो एनर्जाइजर उस रफनेस को स्मूथ में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बिल्कुल चिकना सरफेस बना देता है। दूसरे अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो सेकेंड एडवांटेज ये है कि जो फ्यूल है वो मैक्सिमम प्रॉपर तरीके से जलता है, यानी कि ईंधन की ज्वलनशीलता को बढ़ाता है, यानी कि 100% ईंधन को इस्तेमाल करता है। उसके बाद एडवांटेज की अगर बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, तो इसमें जितना भी आपका, क्योंकि जैसे कि आप समझते हैं कि अंदर का जो भी मशीन है अगर उसमें डैमेजेस होंगे, अगर वो रफ होगा तो आपका वाइब्रेशन और मशीन ज्यादा आवाज करेगा, लेकिन जैसे ही आप नैनो एनर्जाइजर को इस्तेमाल करते हैं वो अंदर से इतना चिकना और स्मूथ बना चुका है सरफेस को, जिसकी वजह से आपका वाइब्रेशन किसी भी चीज का या फिर आपका जो सरफेस है या जो आवाज आ रही थी उसको बहुत कम कर देता है, यानी कि गाड़ी बहुत ही स्मूथ तरीके से चलती है। इसके बाद अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे एडवांटेज है, जिसमें से गियर बॉक्स की अगर बात करते हैं तो गियर बॉक्स में भी अगर आप ऑयल यूज करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये नैनो एनर्जाइजर वाला ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद अगर एडवांटेज की और बात करते हैं तो ये हमारा जो नैनो एनर्जाइजर है इसको बहुत बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स की कंपनियों के सर्टिफिकेट प्राप्त है, यानी कि उनको मान्यता मिला हुआ है, इसको सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी कि इतने अच्छे तरीके से वर्क इसका हो रहा है ऑलरेडी। इसके साथ साथ अर्थ मूवर जैसी बड़ी गाड़ियों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी बड़ी हर तरह की गाड़ियों के लिए कंफर्टेबल है, हर तरह की गाड़ियों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे वो 2-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हो, अर्थ मूवर जैसी गाड़ियां भी हो, तो उनको उनके लिए भी बहुत अच्छी इस्तेमाल करने वाली चीज है, इस्तेमाल में आने वाली चीज है। मेरा नाम राज इंगले, मेरे पास इनोवा 2008। मैंने जब नैनो एनालाइजर डाला इसके अंदर में तो ये गाड़ी के अंदर में एवरेज स्मूथनेस और वाइब्रेशंस खत्म हो गए। पहले जो गाड़ी एवरेज देती थी वो 10 देती थी सिटी के अंदर, जो अभी 12 हो गया है, और जो 12 आउटसाइड देती थी वो 14 एवरेज हो गया है। इसके कारण काफ़ी स्मूथनेस, गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है। ऐसा प्रोडक्ट पूरे नागपुर में क्या है, पूरे इंडिया में नहीं है। नैनो एनर्जाइजर के इस्तेमाल से अगर इंटरनल सरफेस की प्रॉपर कोटिंग की अगर बात करते हैं तो अगर आप बाइक में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 400 किलोमीटर चलने के बाद 100% कोटिंग हो जाती है। अगर आप 4-व्हीलर की बात कर रहे हैं, यानी कि कार वगैरह की बात कर रहे हैं, तो 1200 किलोमीटर तक अगर गाड़ी चलती है तब
वो प्रॉपर फुल कोडिंग इसकी हो जाती है। और अगर आप बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप बस की या ट्रक की बात कर रहे हैं, तो 1500 किलोमीटर तक में इसकी फुल कोडिंग हो जाएगी। जब तक आप ये समझिए कि जब तक फुल कोडिंग ना हो जाए तब तक आपको इंजन ऑयल नहीं चेंज करना चाहिए। यानी कि इंजन ऑयल आप पहले चेंज कर लीजिए, फिर नैनो एनर्जाइजर इस्तेमाल कीजिए। नैनो एनर्जाइजर इस्तेमाल करने के तुरंत बाद अगर आप इंजन ऑयल चेंज करेंगे तो उसका जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि नैनो एनर्जाइजर का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, उसका प्रोसेस बहुत ही आसान है, लेकिन उसकी हेल्प से गाड़ी को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि सिंपल स्टेप फॉलो अप करके सिंपल तरीके से आप अपने आप ही गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं बिना ज्यादा परेशान हुए, बहुत ज्यादा खर्चा किए एवं अपनी कार, इनमें कोई अंतर नहीं। दोनों से ही बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होती है। रफ्तार तथा क्षमता सफलता के द्योतक हैं। सफलता के पीछे हृदय की शक्ति का योगदान होता है। चाहे एथलीट हो या कार, दोनों को सफल करने में हृदय की भूमिका बहुमूल्य है। कार का हृदय मतलब इंजन। समय के साथ इंजन के निरंतर उपयोग के चलते उसमें स्थित पिस्टन रिंग तथा सिलेंडर की दीवारों में होने वाले घर्षण के कारण सिलेंडर की दीवारों में खरोंचे, दरारें, गड्ढे तथा अन्य खामियां पैदा होती है। सिलेंडर में पैदा होने वाली इन खामियों के चलते इंजन का परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। क्या आपका इंजन अधिक धुआं छोड़ता है? क्या आपका इंजन अधिक शोर एवं कंपन पैदा करता है? क्या आपके इंजन का माइलेज कम हो गया है? पेश है नैनो एनर्जाइजर। 20 नैनोमीटर नैनो सिरेमिक कोटिंग तंत्र से बना एक क्रांतिकारी उत्पाद जो बिना खोले इंजन में नई जान डाल देता है और घर्षण को खत्म कर देता है। नैनो एनर्जाइजर ये विश्व स्तर पर जांचा और परखा उत्पाद है। नैनो एनर्जाइजर ये एक अति आवश्यक तथा आदर्श इंजन एडिटिव है। खनिज तेल में मिश्रित प्लैटिनम तथा जिरकोनियम पाउडर से इंजन के सिलेंडर तथा पिस्टन रिंग के ऊपर पतली प्लैटिनम तथा जिरकोनियम की परत बनती है। क्योंकि प्लैटिनम स्टील से 20 गुना ज्यादा मजबूत है और 6 गुना अधिक चिकना है, जो घर्षण को समाप्त कर देता है। नतीजन इंजन बिना शोर के सहजता से अधिक शक्ति से संचालित होके अधिक माइलेज प्रदान करता है। यह उत्पाद इंजन ऑयल के एडिटिव के रूप में काम करता है तथा इंजन को बिना किसी तरह की हानि पहुंचाए उसका परफॉर्मेंस बेहतर करता है। नैनो एनर्जाइजर का एक 30 ml पाउच किसी भी दो पहियों वाली गाड़ी के इंजन में डाला जा सकता है। ये किसी भी प्रकार के छोटे इंजन के लिए उपयुक्त है, जैसे कि जेनसेट, लिफ्ट तथा अन्य तेल जन्य इंजन। नैनो एनर्जाइजर का एक 30 ml पाउच 4 से 10 लीटर के तेल क्षमता वाली किसी भी इंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पेट्रोल, डीजल तथा CNG गाड़ियों के लिए भी उपयुक्त है। नैनो एनर्जाइजर के 2 पाउच का इस्तेमाल 25 लीटर तेल की क्षमता वाले बड़े इंजनों में कारगर साबित होता है। नैनो एनर्जाइजर के इस्तेमाल के पूर्व पाउच को सही प्रकार से हिला लीजिए तथा इंजन को भी थोड़ा गर्म करिए। नैनो एनर्जाइजर को सिर्फ एक बार आपके इंजन ऑयल में मिला दीजिए। घर्षण तथा दबाव से प्लैटिनम सिरेमिक के कण इंजन सिलेंडर में चिपक जाते हैं। इंजन को खोलने की अथवा अलग से कोटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नैनो एनर्जाइजर को इंजन ऑयल में मिलाने से 2-व्हीलर में 400 किलोमीटर, कार में 1200 किलोमीटर तथा भारी वाहनों में 3000 किलोमीटर के अंतराल पर धातुई परत बन जाती है। वो दिन गए जब बड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता था। नैनो एनर्जाइजर की थोड़ी सी मात्रा आपके इंजन के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में कारगर साबित होती है। इंजन के घर्षण प्रभावित सतहों का किसी भी हानि से सुरक्षा एवं बचाव, सिरेमिक कोटिंग की मदद से उच्चतम संभावित परिणाम, बेहतरीन ऑयल प्रेशर एवं ज्वलनशीलता, कम शोर तथा कंपन स्तर, विश्व के नामांकित रिसर्च प्रयोगशालाओं तथा संगठनों द्वारा इसका परीक्षण हुआ है एवं उन्होंने इसे सर्टिफाइड किया है। नैनो एनर्जाइजर उल्लेखनीय परफॉर्मेंस में मदद करता है, जैसे 5 से 15% ईंधन की बचत, वाहन की शक्ति में बढ़ोतरी, पर्यावरण के अनुकूल, इंजन लाइफ में बढ़ोतरी, 30,000 किलोमीटर के पश्चात
सिरेमिक कोटिंग का ह्रास होना शुरू होता है। ये हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास उपलब्ध है। पाइए उच्चतम परफॉर्मेंस निरंतर सिर्फ नैनो एनर्जाइजर के साथ।